अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है। भगवान कृष्ण ने जन्म तो मथुरा में लिया था, लेकिन इस वंशीधर की भूमि पर भी वे स्वतः पधार करके यहाँ के लोगों को कृतार्थ किए हैं, और इसलिए मैं यहाँ की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जब झारखंड विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव चल रहा है और पूरे प्रदेश में हम सब चुनावी अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, आज से 5 वर्ष पहले जब हम लोग चुनाव लड़ते थे, तो जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं थी, वही भावनाएं आपकी भी हुआ करती थी। और ये भावनाएं होती थी कि जैसे झारखंड में हर व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, दिल्ली में हर व्यक्ति आ भी सकता है, जा भी सकता है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी हर व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की व्यवस्था दी कि धारा 370 जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों की शरणगाह बन गई थी, उसको हमेशा के लिए समाप्त करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद इससे बड़ा साहस का कार्य किसी ने नहीं किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो कार्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में झारखंड के विकास के लिए श्री रघुवर दास जी ने किया है। इस दृश्य आज आप सबके चुनाव में आप सबका समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। ये क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, स्वाभाविक रूप से मेरी और आपकी समस्याएं समान है, हम एक दूसरे की समस्या को जानते भी हैं और उन समस्याओं को समाधान की ओर ले जाना भी जानते हैं। जब प्रदेश उत्तर प्रदेश और झारखंड में और दिल्ली में एक समान सरकार रहेगी तो समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा। एक जैसी समस्या है, भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि दुख है और दुख का कारण भी है, और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। और भाइयों बहनों, हमने केवल दुख नहीं बोला है, हमने समस्या केवल बोला नहीं है, हम उसका समाधान भी चाहते हैं, और उसका समाधान कोई निकालेगा तो भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, इसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान जानती है। आपने मोदी जी के 5.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है, आपने रघुवर दास जी के 5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है, आप यहां बगल में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को भी आप देख रहे होंगे। कोई समस्या हमने समस्या नहीं रहने दी, अगर समस्या समस्या रह जाती है सरकार के रहने के बाद भी, तो सरकार सरकार नहीं होती है,
और भाइयों बहनों, हमने उसी तर्ज पर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी निकाला है और आप सबका यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले गरीबों के घर, गरीबों के पास अपना मकान नहीं होता था। रघुवर दास जी आए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का सानिध्य मिला और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना में आवास मिलने प्रारंभ हो गए। गरीबों के घर में पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, बहन और बेटियों की इज्जत दांव पे लगी रहती थी, गांव में गंदगी के कारण बीमारियां होती थी। आज हर परिवार के पास एक एक शौचालय देने का कार्य स्वच्छ भारत मिशन के अंदर किया गया और उसका परिणाम है गांव में स्वच्छता होने लग गई, गांव में स्वस्थ लोग होने रहने लग गए। जो थोड़ी बहुत बीमारी थी, आयुष्मान भारत में सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने देकर के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने और दीर्घ जीवन जीने के लिए एक नया आशीर्वाद आप सबसे मांगा है। भाइयों बहनों, विकास के बारे में जो सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, हम अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिना भेदभाव के सभी किसानों को दिया। लेकिन किसानों के साथ ही जहां ये योजना पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की, वहीं आपके झारखंड में हर एकड़ खेती में भी 5,000 रुपए अतिरिक्त या देने की व्यवस्था रघुवर दास जी ने की है। किसान, अब झारखंड का किसान कभी भूखों नहीं रह सकता, उसके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है और झारखंड सरकार के द्वारा, रघुवर दास जी के द्वारा दी गई योजना का लाभ भी उसे प्राप्त हो रहा है। नौकरी इतनी ज्यादा मात्रा में दी गई, 1,00,000 नौजवानों को नौकरी मिली है आपके झारखंड में, 50,000 नौजवानों को नौकरी मिल रही है, 35,00,000 लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। और अभी चुनाव के बाद जो स्टील प्लांट लगेगा यहां पर, तो भाइयों बहनों नौकरी ही नौकरी, भरमार हो जाएगी नौकरी की। तो सारे कार्य अनुकूल है और ये अनुकूल इसलिए क्योंकि मोदी जी ने भी और रघुवर दास जी ने भी किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी की भाषा नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। जो झारखंडवासी है, जो भारतवासी है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए और उसको योजना के साथ जोड़ करके, चाहे वह सौभाग्य योजना में विद्युत का कनेक्शन हो, उज्ज्वला योजना में चाहे उसे रसोई गैस के कनेक्शन को देने की व्यवस्था की हो, ये सारे के सारे कार्य जिस प्रखरता के साथ करने का कार्य किया था, उसी कार्य के एवज में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। जो कार्य करेगा उसी का नाम होगा और वोट भी उसी को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप में से तो हर व्यक्ति इस बात को जानता होगा, श्री भानु प्रताप शाही जी भी बोल ही रहे थे, कांग्रेस का पाप था ये आरजेडी, कांग्रेस जितने भी दलदल है ना, ये देश के अंदर केवल समस्या पैदा करने वाले दल है, इनका काम ही समस्या पैदा करना है।
इनके लिए दल का मतलब परिवार ही दल है और इनके लिए योजनाओं का मतलब जनता के लिए आया हुआ पैसा अपने परिवार के विकास के लिए और देश और दुनिया में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अपने परिवार के लिए खरीदने के लिए, बाकी इनके पास कुछ भी और नहीं है। इनका दिमाग बाकी और कहीं नहीं जा सकता। और मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, इन्होंने देश को समस्याएं दी हैं। अगर समस्या दी हो दी ने समस्याएं नहीं दी होती तो राम जन्मभूमि के लिए 76 युद्ध हिंदुओं को नहीं लड़ने पड़ते। तीन लाख से अधिक हिंदुओं को शहीद नहीं होना पड़ता। और यही नहीं, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम समस्या को लटकाना और भटकाना नहीं चाहते, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, अगर कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया है, तीन तलाक की कुप्रथा को रोक लगा करके मुस्लिम बहनों को सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए एक नया अवसर उन्हें प्रदान किया है, तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके देश और दुनिया के अंदर भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य भी किया है। हम समस्या लटकाना नहीं चाहते, लेकिन हां, भारत की परंपरा पर, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा विश्वास करते हुए इस बात को मानते हैं। हमने पहले भी कहा था कि न्यायालय जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे और लागू भी करवाएंगे। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मतलब देश और दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र की ताकत, ये लोकतंत्र की ताकत, जिस लोकतंत्र की ताकत ने आपको ये वोट देने का अधिकार दिया है, जनता से जनार्दन की भूमिका में खड़ा किया है, इस लोकतंत्र की ये ताकत है, न्यायपालिका की भी ताकत है और भारत की 130 करोड़ की आबादी की ताकत है कि आज 500 वर्षों के बाद पुनः भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए और फिर अयोध्या में भगवान राम और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करके इस वंशीधर की भूमि को और पूर्णता की ओर लेकर के आगे बढ़ने की प्रयास में सहभागी बनिए। यही आह्वान करने के लिए श्री भानु प्रताप शाही जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करता हूं।